Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the reproduction in case of alva, sexual and asexual method. Ab hum discuss karenge diagrammatically life cycle of alva ko, jisme hum isomorphic alternation of generation dekhenge. Kya dekhenge is life cycle mein hum? Isomorphic alternation of generation. Isomorphic alternation of generation हम देखेंगे इसके life cycle में कि किस तरह isomorphism है. तो हम लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं. दिस इज कंसीडर एज द स्पोरोफाइट. ये जो हमने थैलस लिया है दैट इज द स्पोरोफाइट. दीज आर द होल्ड फास्ट. इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम दे रहे हैं स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे पढ़ा था कि इट इज डैप्लॉइड. इट इज डैप्लॉइड विथ 2n एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर 26 क्रोमोजोम्स. अब इस स्पोरोफाइट में जैसी लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, एसेक्सुअल साइकिल, इसमें यहां पर बनते हैं स्पोरेंचिया. क्या बनेगा? स्पोरेंचिया बनता है. इसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन रहे होते हैं. क्या बन रहे होते हैं? जूस्पोर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पोरेंजिया. अब इस स्पोरेंजिया में क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. हमने पीछे पढ़ा था कि जूस्पोर्स बनेंगे लेकिन क्वाड्री फ्लैजिलेटेड, चार फ्लैजिला वाले जूस्पोर्स बनते हैं. जब स्पोरोफाइट्स में जो डिवीजन हो रही होती है दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस. कौन सी डिवीजन होगी? जब मियोसिस डिवीजन हुई तो हैप्लॉइड जो है वो जूस्पोर्स तैयार हो गए. जैसे ये जूस्पोर्स पैरेंटल स्पोरेंजिया से निकलते हैं, ये अपने जिसे कहते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेटेड, दीज आर द क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स अपना स्विमिंग पीरियड को पूरा करेंगे, अपने डेवलपमेंट को पूरा करेंगे एंड दे विल जर्मिनेट. दे विल जर्मिनेट. दे विल जर्मिनेट इन टू द न्यू स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोफाइट्स. अब यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है? जर्मिनेशन का. यहां पर क्या हो रहा है? जर्मिनेशन. जर्मिनेशन हुई, जूस्पोर्स किसमें चेंज हो जाएंगे? द फीमेल गैमेटोफाइट, एक को हम कंसिडर करेंगे एंड अदर वन इज द मेल गैमेटोफाइट. ये हमारे पास दो गैमेटोफाइट बन गए, दो जूस्पोर्स हैं जो कि श्योर है हैप्लॉइड होंगे विथ एन नंबर के साथ, क्योंकि जूस्पोर हैप्लॉइड थे. ये कंसिडर कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट.
और ये कंसिडर करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स, दोनों में क्या होगा कि यहां पर बनेंगे गैमेटेंजिया, क्या बनेंगे गैमेटेंजिया बनेंगे, गैमी टेंजिया, वहां पर जूस्पोर बने थे तो स्पोरेंजिया नाम दिया गया, जनरली कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, यहां पर जो बने हैं वो गैमेट्स बने हैं और इसे हम नाम देते हैं गैमेटेंजिया। जब ये गैमेटेंजिया राइप होता है यहां से निकलते हैं बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो के आल्सो क्या होंगे हैप्लॉइड होंगे, क्या होंगे बेटा हैप्लॉइड, क्यों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि यहां पर डिवीजन हो रही है माइटोसिस, जब यहां पर माइटोसिस डिवीजन हुई दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पर बनने वाले गैमेटेंजिया थे इसमें गैमेट्स बने जिन्हें हम नाम देते हैं बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो के स्मॉलर होते हैं देन दैट ऑफ द जूस्पोर्स। जैसे ही ये आपस में फ्यूज होंगे जिस प्रोसेस को हम नाम देंगे साइनगैमी, यहां कौन सा प्रोसेस होगा साइन गैमी कहेंगे या फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। अब यहां पर बनेगा डेप्लॉइड सेल क्योंकि n प्लस n मिलकर बनाते हैं 2n, बोथ वर n हैप्लॉइड गैमेट्स, इन्होंने बना दिया जायगोट जिसे हम नाम देते हैं ऊस्पोर आल्सो। अब ये ऊस्पोर्स जो है ये जर्मिनेट होंगे, ये ऊस्पोर जो है इट विल बी जर्मिनेट इनटू दी न्यू स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट से क्या बना है न्यू स्पोरोफाइट पर प्रोसेस होगा जर्मिनेशन। तो बेटा आपने देखा कि यहां पर जो डिवीजन हो रही है दैट इज मियोसिस क्योंकि डेप्लॉइड पैरेंट बॉडी थी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनने हैं एन इन नंबर्स, दे आर हैप्लॉइड लेकिन ये फ्यूज नहीं हुए, डायरेक्टली जर्मिनेट हुए इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स में। अब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हुआ गैमेटेंजिया बने फ्रूटिंग बॉडीज बनी, डिवीजन हुई माइटोसिस क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो बना व्हाट द गैमेट्स। अब हर गैमेटेंजिया में बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनेंगे, जैसे बायोफ्लैजिलेटेड गैमेट्स निकलेंगे इनके मिलने का प्रोसेस होगा साइन गैमी, बन जाएगा ऊस्पोर्स डेप्लॉइड जायगोट और वो जायगोट कंटिन्यूअसली यहां पर डिवीजन माइटोसिस होगी इट विल बी डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहे और दोनों की स्ट्रक्चर देखें मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है इसलिए इसको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे क्योंकि सेक्सुअल अल्टरनेट्स विद द एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल अल्टरनेट विद द सेक्सुअल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस इज द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल इन केस ऑफ व्हाट द एल्वा जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखी। अब देखिए आइसोमॉर्फिक में पहले भी बता चुका हूं क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, इनकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर वाइज मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को देखें उधर से स्पोरोफाइट को देखें तो बोथ आर सिमिलर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक और जनरेशन को आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं, यह आपने याद रखना है। यह था हमारे पास ब्रीफ अबाउट दी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिसे हम नाम देते हैं व्हाट दी एलजी, जिसमें हमने क्लोरिला को और मल्टीसेलर
एल्वा को डिस्कस किया, इसकी स्ट्रक्चर्स हमने देखी, सेक्जुअल सेक्जुअल प्रोडक्शन देखी, डायग्रामेटिकली ये सेक्जुअल साइकिल और सेक्जुअल साइकिल दोनों को देखा, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं लेकिन आइसोमार्फिक बिकॉज मॉर्फोलॉजी सेम। ओके, अब हम बात करेंगे दी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अच्छा, यहां हम टॉप टिस्टा नहीं कहेंगे, टॉप टिस्टा वर्ड इस्तेमाल होता है मल्टी सेलर्स के लिए, इसमें मल्टी सेलर यूनिसेलर दोनों, लेकिन यहां पर ऑल आर यूनिसेलर्स एंड दे आर प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स आ रहे हैं। जब यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स आ रहे हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं प्रोटिस्टा। अब इस ग्रुप में याद रखिएगा नियर बाय 30,000 स्पीशीज हैं। ये तो हमें श्योर हो गया कि ये मल्टी सेलर है, इनके पास मोस्टली एनिमल लाइक कैरेक्टर है, और सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है, दे आर हेटरोट्रॉप्स। अब ये हेटरोट्रॉप्स हैं तो याद रखिएगा मोस्टली पैरासाइट्स, मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। ओके, मोस्टली पैरासाइट होते हैं एंड मोस्टली हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अब एंडो पैरासाइट में मोस्टली, पैरासाइट में मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, कौन से पैरासाइट्स, एंडो साइट्स हैं। अब एंडो पैरासाइट्स हैं, फ्यू ऑफ देम जिस ग्रुप में हम रखते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग है प्लांट और एनिमल वाले होंगे और कंट्रोवर्शियल है, वो है युगलिना, वो आता है हेटरोट्रॉफ में, बल्कि मोस्टली जो होते हैं दे आर हेटरोट्रॉफ्स एंड दे आर यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, ओनली यूनिसेलुलर्स। दे आर मच लाइक, इट मींस इनमें सेल वॉल भी नहीं होती है, सेल वॉल का ना होना शो करता है एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को, हेटरोट्रॉफी का होना एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड दे आर मोस्टली मोटाइल होते हैं। जब ये मोटाइल है मीन्स इनके अंदर लोकोमोशन होती है, और लोकोमोशन कैरेक्टर है किसका, एनिमल्स का। अब इन एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो बेटा याद रखिएगा, अब इन प्रोटोजोन्स को जो प्रोटोजोन्स हैं इन्हें क्लासीफाई किया जाता है पांच बड़ी क्लासेस में, जिनमें याद रखिएगा हम नाम देते हैं क्लास क्लास फ्लैजिलेटा, इट मींस इसमें क्या आएंगे, फ्लैजिलेट्स, जिसे हम मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं, मैस्टिगोफोरा भी कहा जाता है। दूसरी क्लास है क्लास सार्कोडीना, बेटा इस क्लास को राइजोपोडा भी कहा जाता है, फॉल्स फीट, राइजोपोडा। उसके बाद थर्ड वन क्लास है क्लास सीलिएटा, जिसे एक और नाम देते हैं सीलियो फोरा का नाम भी देते हैं। और फोर्थ वन क्लास जो है, दिस क्लास इज कॉल्ड एज क्लास सेक्टोरिया, जिनके मेंबर को सेक्टोरियंस भी कहते हैं। और जो लास्ट वन क्लास है
दैट इज द फिफ्थ वन क्लास दैट इज कॉल्ड एज क्लास स्पोरोज़ोआ. क्या नाम देते हैं? स्पोरोज़ोआ का नाम देते हैं. ये पांच क्लासेस हैं जिनमें एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स को रखा जाता है, जो अपनी मोर्टैलिटी और हेटरोट्रॉफिक की वजह से एनिमल लाइक कहलाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल लाइक कैरेक्टर्स हैं. इन्हें सब डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. अब प्रोटोजोन को यहां क्लासीफाई कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, यह पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स. अब लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स की वजह से क्लासिफाई किया गया है पांच बड़े ग्रुप्स में, जिनमें क्लास फ्लैजिलेटा, सक्टोरिया, सीलिएटा, सार्कोडिना, सीलिएटा एज वेल एज सक्टोरिया एंड स्पोरोज़ोआ. याद रखिएगा इंटीटस के हवाले से आपने याद रखना है. फ्लैजिलेटा को मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, और मैं पहले आपको बता चुका हूं जहां पर दो से ज्यादा नाम आते हैं वो आपने याद रखना है, या दो नाम आते हैं तो याद रखिएगा इसमें मेस्टिगोफोरा भी कहेंगे, सार्कोडिना को राइजोपोडा भी कहेंगे झूठे पांव वाले, और सीलिएटा को सीलियोफोरा भी कहते हैं. ये आपने जरूर याद रखना है. इन दी जब हम क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ दी क्लास फ्लैजिलेटा, अब इसमें जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट होती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट दैट इज बाय दी बाय फ्लैजिला, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट आर लोकोमोशन. ओके, फ्लैजिला के जरिए. अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आती है यूग्लिना, और यूग्लिना जो है दैट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्टस. एंड देन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ट्राइपेनो सोमा. अब याद रखिएगा ट्राइपनोसोमा ये एक एंडोपैरासाइट है, और खास तौर पर इट इज द ब्लड पैरासाइट, ब्लड पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, और ब्लड में स्पेशली प्लाज्मा एंड आरबीसीज और प्लाज्मा में पे ये डिपेंड करता है. ब्लड सेल्स, ब्लड पैरासाइट है ये. इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो लुक लाइक दिस. इसके पास इस तरह फ्लैजिला होते हैं, और ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंडोपैरासाइट है. दिस इज द फ्लैजिला, और ये एंडोपैरासाइट है इसलिए काज करता है काज डिजीज, जिस बेटा डिजीज को हम नाम देते हैं ट्राइपनोसोमियासिस. ट्राइपेनोसोमियासिस कहते हैं इसे. अफ्रीकन स्लीप सिकनेस भी कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीप सिकनेस, अफ्रीका में सोने की बीमारी. इसमें क्या होता है कि जब ये पैरासाइट आपके ब्लड सेल में, वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन बीइंग में, जब ये ब्लड सेल में जाता है तो ये हेमोग्लोबिन को और आरबीसीज को खाना शुरू करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती. स्पेशली ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो पर्सन विल बी गो थ्रू दी सोमनिया लाइक कंडीशन, कॉमा लाइक कंडीशन या सोमनिया लाइक कंडीशन में चला जाता है. इसलिए इसको ट्राइपनोसोमियासिस कहते हैं, नींद का गलबा होना, नींद आना. लेकिन इस कंडीशन में जो नींद आती है, जब तक आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते, तब तक पर्सन सोने की हालत में ही रहेगा, सोता रहेगा, वो कभी भी जागेगा नहीं. उसकी डेथ तो हो जाएगी सोते सोते, लेकिन वो कभी उठ नहीं पाएगा. इसकी वजह क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कॉमा लाइक कंडीशन आ जाएगी.
तो फ्लैजिलेटा में हमने देखा कि इसके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है दैट इज दी फ्लैजिला, ट्रैपनोसोमा एंड यूग्रिना कॉमन एग्जाम्पल है। इट इज दी मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल। इन केस ऑफ ट्रैपनोसोमा देखा जाए तो एंडोपैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट है और अफ्रीकन स्लीप सिकनेस काज करता है। ये आपने एंटीटस के हवाले से याद रखना है, इसे ट्रैपनोसोमियासिस भी कहते हैं। देन इन केस ऑफ द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड एज द राइजोपोडा, जिसमें हमारे पास जो हम देखते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट और लोकोमोशन, दैट इज बाय सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जिसको सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, एमेबाइड मूवमेंट भी कहते हैं, सो कॉल्ड, ये आपने याद रखना है कि एमेबाइड मूवमेंट और लोकोमोशन भी कहा जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अमेबा, इसलिए इसको अमेबाइड मूवमेंट कहते हैं। अमेबा कॉमन एग्जाम्पल है। अब याद रखिएगा दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज दे आर पैरासाइट्स, बाय नेचर वाइज फ्री लिविंग भी हैं एंड पैरासाइट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से जीआईटी डिसऑर्डर भी काज होते हैं, बायसिलरी इन्फेक्शन या डायसेंट्री कंडीशन भी काज होती है, वाटर में फ्री लिविंग भी होते हैं। इनमें कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनका पाया जाना इस चीज को क्लू पेश करता है कि देर इज पेट्रोलियम डिपोजिशन इन द सी। मोस्टली ये सी में पाई जाती है स्पीशीज, या अंडरग्राउंड होती हैं, जहां पर जो हमारे पेट्रोलियम एंड गैस के इंजीनियर्स होते हैं वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ दीज स्पीशीज को देखते हुए कि देर इज पॉसिबल कंडीशन, देर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम्स, जिनमें हमारे पास जो है वो रेडियो लैरिना ऊज एंड ग्लोबी गैरिना ऊज, ये दोनों क्या प्रोवाइड करती हैं, क्ल्यू फॉर पेट्रोलियम डिपोजिशन। ये आपके एंटीटस के हवाले से मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो पॉइंट है, क्ल्यू फॉर पेट्रोलियम डिपोजिशन, डिपोजिशन, तो पेट्रोलियम डिपोजिशन। इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो प्रेजेंस है वो किस चीज को शो करती है, प्रेजेंस प्रोवाइड क्ल्यू फॉर पेट्रोलियम डिपोजिशन। ये मोस्टली सी में पाए जाते हैं, और जहां पर पेट्रोलियम के क्ल्यू अगर देखने हैं तो आप इस स्पीशीज को अगर फाइंड करते हैं तो समझ जाइएगा देर विल बी द पेट्रोलियम डिपोजिशन। अब इनकी लोकोमोशन हमने देखी, अमेबाइड मूवमेंट और लोकोमोशन कहते हैं, इसमें सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं और सीडोपोडिया इसमें बनते हैं। आपने देखा होगा इन केस ऑफ अमेबा इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही होती है दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। इसे हम क्या नाम देते हैं, सीडोपोडिया का नाम देते हैं। ये सीडोपोडिया जो वैक्यूल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दीज आर द वैक्यूल्स बन रहे होते हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसकी वजह से सोल इंटू जेल एंड जेल इंटू सोल में चेंज होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो क्यों बनती है, दैट इज ड्यू टू दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वैक्यूल, जिसमें सोल इंटू जेल एंड जेल इंटू सोल इसका प्रोटोप्लाज्म चेंज होता है और फिंगर लाइक बैलूनी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। और इसी सीडोपोडिया के बनने और का और ख़त्म होने का सिलसिला कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से ये किसी भी मीडियम के अंदर जो है वो स्विम कर सकते हैं, इसलिए इस मूवमेंट को हम सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं। और सीडोपोडिया को क्योंकि ये बनने और
ख़त्म होने का सिलसिला चलता रहता है जो है वो सीडोपोडिया का, इसलिए इसको झूठे पांव वाले यानी हम नाम देते हैं राइजोपोडास यानी राइजोपोड्स का नाम भी देते हैं। अब सार्कोडिना को राइजोपोडा भी कहते हैं, फॉल्स फीट। क्या नाम देते हैं याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड एज हैविंग दे आर फॉल्स फीट। इनमें क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट, झूठे पांव वाले। इसके बाद नेक्स्ट वन क्लास हमारे पास है क्लास सीलिएटा। अब सीलिएटा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं दे हैव सीलिया, और सीलिया जो है आई लैशेज लाइक, आई लैशेज लाइक, आउटग्रोथ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी पैरामीशियम, क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसकी है पैरामीशियम, पैरामीशियम एज वेल एज ओपालिना एज वेल एज ब्लेंटीडियम, और बहुत सारी कॉमन एग्जाम्पल आती है जिसमें हमने देखा है कि जो युगलिना परामिशियम होता है इसके पास आई लैशेज लाइक आउट ग्रोथ होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी सीलिया, आई लैशेज लाइक आउट ग्रोथ, जिनकी जब 100 ऑफ सीलिया एक साथ बीट करते हैं, स्ट्रोक एंड रिकवरी बनाते हैं, तो ये किसी भी मीडियम के अंदर प्रोपेल करते हैं और लोकोमोशन का प्रोसेस होता है। अब याद रखिएगा इनमें इनका जो कैरेक्टर है वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। अब इनमें एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दिस इज दी मैक्रो न्यूक्लियस, दिस इज दी माइक्रो न्यूक्लियस। अब इनका जो स्पेशलाइज कैरेक्टर यह है कि इसके पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में रोल करता है और माइक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इनमें जो लोकोमोशन होती है दैट इज बाय द सीलिया, इसलिए इनकी लोकोमोशन को हम कहते हैं सीलरी लोकोमोशन या सीलरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट का नाम देते हैं। और सीलिया आई लैशेज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक साथ फ्लिकर मूवमेंट में जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं मीडियम में। याद रखिएगा बाय नेचर वाइज दे मे बी पैरासाइट एंड फ्री लिविंग। अब ये पैरासाइट भी हो सकते हैं एंड फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, इनमें याद रखिएगा जो सीलिएट्स हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो मोस्टली एसेक्सुअल, और बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन, फिशन एंड बडिंग प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इनमें एवोल्यूशन के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, डिफरेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रेन जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को या जीनोम ऑफ डीएनए, जीनोम को जीन्स की फॉर्म में या डीएनए सेगमेंट की फॉर्म में शेयर कर रहे होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दी कॉम्पैक्ट स्ट्रेन्स, रिकॉम्बिनेशन। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। अब इसके सेंटर में क्या होता है, लाइक दिस स्टार शेप वैक्यूल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट आर जीन्स,
between the strains or compact strains. याद रखिएगा in case of amoeba यहां पर भी mostly asexual reproduction होती है और वो by fission, also by the process of fission, इसमें specially multiple fission, multiple fission का process होता है. ओके बेटा, ये हमारे पास तीन क्लासेस हमने यहां पर डिस्कस की हैं, फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना और राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा और मेस्टिगोफोरा, सीलिएटा और सीलियोफोरा. इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास नंबर फोर्थ दैट इज सेक्टोरिया एंड क्लास नंबर फिफ्थ दैट इज द स्पोरोजोआ. ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. इसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स.